हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपराज चंद्राकर और आप देख रहे हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का क्रैश कोर्स। ठीक है, टिल नाउ अगर मैं बोलूँ ये ऑलमोस्ट इंड लेक्चर है। इसके बाद एक लेक्चर का और मैं करूँगा कि उस पर MSQ के बारे में मैं बात करूँगा, देन प्रोडक्शन आपका ख़त्म हो जाएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे पहले मैं मटेरियल साइंस के बारे में बात कर चुका हूँ, एक लेक्चर आप देख चुके हैं कि जो रिक्वायरमेंट है वो हम पढ़ चुके हैं। इस पे मैं आयरन कार्बन डायग्राम के बारे में बात करने वाला हूँ। सो उससे पहले एक बात ये कि जितना पढ़े हो अभी टिल ना, उसको बहुत अच्छे से रिविज़न करना है भाई। ठीक, क्योंकि ये वर्थ तभी होगा जितना पढ़े हो, जितना टाइम आप इसमें इन्वेस्ट किए हो, है ना। इसका रिटर्न तभी मिलेगा जब आप सही से इसको रिवाइज़ करोगे। रिवाइज़ करो और प्रीवियस ईयर सवाल लगाइए और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, है ना। टेस्ट सीरीज हमेशा आपको आपका लेवल बताएगा कि कितना प्रिपेयर किए हो आप और कितना प्रिपरेशन की ज़रूरत है। ठीक है, सो इसलिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाला है। जितने लोग ये लेक्चर फॉलो कर रहे हैं, मुझे लगता है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, और क्रैश कोर्स के लिए तो स्पेशल टेस्ट सीरीज भी है। सो मुझे लगता है कि आपको ये ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आयरन कार्बन डायग्राम के बारे में। सो उससे पहले आपको प्योर आयरन का कूलिंग पता होना चाहिए। ठीक, सो अगर मैं बोलूँ कूलिंग कर्व और कूलिंग ऑफ प्योर आयरन, अगर प्योर आयरन का कूलिंग देखते हैं तो क्या होता है, किस तरीके से होता है वो देख लेते हैं भाई। टेम्परेचर टाइम डायग्राम देखेंगे हम लोग, ये टाइम बताएगा और ये टेम्परेचर बताएगा। सो देखिए, अगर टाइम टेम्परेचर डायग्राम से देखना चाहूँ तो मेनली कुछ टेम्परेचर्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। एक होता है 768 डिग्री सेंटीग्रेड, एक होता है 910 डिग्री सेंटीग्रेड, एक होता है आपका 1400 डिग्री सेंटीग्रेड और एक 1539 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर में थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिल सकता है, अगर आप अलग अलग किताब देखेंगे तो थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिल सकता है, लेकिन यही रेंज में आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं डियर, 768 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ द क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर, ये आपका क्यूरी टेम्परेचर कहलाता है। ये क्या कहलाता है? आपका क्यूरी टेम्परेचर। अगर मैं बात करूं डियर, ये क्यूरी टेम्परेचर क्या सिग्निफाई करता है? ये बताता है कि इस टेम्परेचर के ऊपर आपका जो आयरन होने वाला है वो नॉन मैग्नेटिक हो जाता है, इस टेम्परेचर के नीचे वो मैग्नेटिक रहने वाला है। ठीक, सो अगर यहाँ से देखें अपन, इस तरीके से कुछ दिखेगा कि भाई इससे पहले आपका क्या था, ये मैग्नेटिक था, है ना, ये आपका मैग्नेटिक है, इसके ऊपर आपका नॉन मैग्नेटिक है। ऊपर इस टेम्परेचर के ऊपर पूरा आपको नॉन मैग्नेटिक देखने को मिलेगा, ये भी आपका नॉन मैग्नेटिक रीजन में रहेगा, नॉन मैग्नेटिक आपका आयरन है और इसके ऊपर भी नॉन मैग्नेटिक होने वाला है। ठीक, सो यहां से अगर देखूंगा तो ये इस टेम्परेचर 768 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, मतलब ये वाला पॉइंट को अगर मैं बोलूं तो क्यूरी पॉइंट कहा जाता है और ये वाला जो टेम्परेचर है क्यूरी टेम्परेचर कहलाता है। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर मैं बात करूं रिया, तो उसके नीचे तक, है ना, उसके नीचे मतलब इस इधर आपको मिलेगा जो भी आयरन रहेगा वो मैग्नेटिक रहेगा, वो मैग्नेटिक रहेगा, उसके ऊपर वो आपका नॉन मैग्नेटिक हो जाता है। ठीक, अगर मैं बात करूं साथ के साथ इस पे किस तरीके का उसको आयरन कहा जाता है, देखिए तीन तरीके का आयरन होता है। एक होता है आपका अल्फा आयरन, अल्फा आयरन आपका इसके ऊपर भी ये अल्फा आयरन रहने वाला है, उसके बाद गामा आयरन हो जाता है, उसके बाद डेल्टा आयरन हो जाता है। ऊपर पूरा आपको डेल्टा आयरन मिलेगा, इसके ऊपर तो पूरा लिक्विड रहने वाला है, इधर आपका सॉलिड रहेगा, ये धीरे धीरे आपका ट्रांसफॉर्म होने वाला है।
अगर देखोगे अल्फा आयरन का जो स्ट्रक्चर होता है वो बीसीसी होता है। हम क्या लास्ट लेक्चर में बात किए थे, क्या होता है बीसीसी, क्या होता है एफसीसी, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सो आपका जो अल्फा आयरन का स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, वो होता है बीसीसी। इसका स्ट्रक्चर होने वाला है बीसीसी, और बीसीसी में आपका एवरेज नंबर ऑफ एटम्स कितने थे, टू, है ना। अल्फा आयरन मतलब आपका बीसीसी स्ट्रक्चर। तो अल्फा आयरन मैग्नेटिक में भी होता है, नॉन मैग्नेटिक में भी होता है, ध्यान रखिएगा। और इस पे भी आपका एन एवरेज आपका देखने को मिलेगा टू, उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा दैट इज योर इसका स्ट्रक्चर जो गामा आयरन है उसका होता है एफसीसी, और एन एवरेज इस पे भी आपको देखने को मिलेगा फोर, ये फोर होता है ठीक। एफसीसी का एवरेज नंबर ऑफ एटम्स क्या थे आपके, फोर थे ठीक। इसके ऊपर और जाओगे है ना, यहाँ पे इस टेम्परेचर पे देखोगे कि वो डेल्टा आयरन में कन्वर्ट हो जाता है और उसका स्ट्रक्चर वापस बीसीसी हो जाएगा। यहाँ पे एन एवरेज आपको मिलने वाला है टू ठीक। सो अगर ध्यान से देखोगे तो इस तरीके से कुछ दिखेगा, यहाँ से ड्रॉ करता हूँ मैं ठीक है, थोड़ा दूर से ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि अपने को दिखे। ये आपका मैग्नेटाइजेशन, इधर आपका नीचे मैग्नेट रहेगा, ऊपर नॉन मैग्नेट रहने वाला है। सो मैग्नेटाइजेशन में आपको कन्वर्जन देखने को मिलेगा। इसके ऊपर अगर मैं जाता हूं, इसके ऊपर अगर मैं जाता हूं ठीक। सो यहां पे क्रिस्टल चेंज, इसको और लाइन को थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ताकि आपको बाहर दिखे। इस तरीके से ये आपका नॉन मैग्नेट, ये मैग्नेटाइजेशन मतलब आपका नीचे मैग्नेट है, ऊपर नॉन मैग्नेट होने वाला है। इस लाइन के नीचे है ना, इस लाइन के नीचे आपका नॉन मैग्नेट है, सॉरी इस लाइन के नीचे मैग्नेट है, मैग्नेट है ठीक। क्यूरी पॉइंट के ऊपर नॉन मैग्नेट देखने को मिलेगा ठीक। उसके बाद अगर यहां देखूं तो आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, बीसीसी से एफसीसी में दिखेगा। उसके ऊपर जाऊंगा सो वहां से फिर से एफसीसी से किस में आएगा, बीसीसी में, और इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मैं बोलूं तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटाइजेशन बता रहा है ये वाला लाइन। मैग्नेटाइजेशन ये वाला लाइन आपका बता रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर बताने वाला है। इसके ऊपर ये वाला लाइन भी क्या बता रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इस तरीके से सो एक चीज ध्यान से अगर देखेंगे तो आयरन में ना दो तरीके के क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक बीसीसी और एक एफसीसी। बीसीसी में ना आपका दो तरीके का आयरन है, अल्फा आयरन और डेल्टा आयरन ठीक। सो आपका जो बीसीसी स्ट्रक्चर अक्वायर करता है एक आयरन, उसको कहा जाता है फेराइट। सो आपका डेल्टा आयरन भी फेराइट है और अल्फा आयरन भी फेराइट है, ये भी फेराइट है और ये भी फेराइट है। ये हाई टेम्परेचर पर मिलता है तो इसको हाई टेम्परेचर फेराइट कहा जाता है, इसको लो टेम्परेचर फेराइट कहा जाता है, लो टेम्परेचर फेराइट ठीक। आप बीच में देखिए आपको किस तरीके का आयरन मिल रहा है, दैट इज योर गामा आयरन, और गामा आयरन को ऑस्टेनाइट कहा जाता है। गामा आयरन को क्या कहा जाता है, ऑस्टेनाइट कहा जाता है। So, यही सवाल पूछे जाते हैं भाई कि आपका जो आयरन है वो 910 डिग्री सेंटीग्रेड से, 910 डिग्री सेंटीग्रेड से 910 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1400 डिग्री सेंटीग्रेड किस तरीके का क्रिस्टल स्ट्रक्चर शो करता है, दैट इज योर एफसीसी, है ना। ये आपका एफसीसी शो कर रहा था, बाकी टाइम आप देखिए
आपको बीसीसी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, बीसीसी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। मतलब मैं कह सकता हूं अगर इधर से चल रहा हूं तो मैं इसको हीटिंग कर रहा हूं, वापस आ रहा हूं तो कूलिंग कर रहा हूं, ठीक। सो हीटिंग और कूलिंग में आपको सेम कर्व देखने को मिलेगा डियर। और आपका अगर ये सेम कर्व देखने को मिलता है, इस तरीके से देखने को मिलता है ना, ये जो लाइन बनाया हूँ, जरूरी नहीं है कि ये लाइन बने, हाँ आप सीधा इसको दिखा सकते हो, मैं जस्ट मैग्नेटाइजेशन के लिए ये बनाया हूँ, ठीक है ना। सो आपका इस तरीके का कुछ देखने को मिलेगा कि हीटिंग में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, कूलिंग में इसका रिवर्स देखने को मिलेगा। और दो तरीके के आपके क्रिस्टल स्ट्रक्चर शो कर रहा है आयरन। सो आयरन की ये प्रॉपर्टी कि हीटिंग में आपका दो क्रिस्टल स्ट्रक्चर या कूलिंग में रिवर्सिबल आपका दो क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दैट इज योर बीसीसी और एफसीसी शो कर रहा है। सो इस तरीके का किसी भी मटेरियल का अगर प्रॉपर्टी होता है कि टेम्परेचर के चेंज करने पे उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर चेंज होता है, सो उसको कहा जाता है एलोट्रॉपिक मटेरियल। क्या कहा जाता है? एलोट्रॉपिक मटेरियल। इट मींस दैट आयरन इज अ एलोट्रॉपिक मटेरियल। एलोट्रॉपिक मतलब कि टेम्परेचर चेंज होने पे अपना क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज होगा। कितने टाइप के आयरन मिलते हैं? तीन टाइप के सर, अल्फा, गामा एंड डेल्टा। उस पे अल्फा और डेल्टा आपका कैसा है? फेराइट है। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? बीसीसी होता है। और आपका जो गामा आयरन होता है उसको ऑस्टेनाइट कहा जाता है और उसका स्ट्रक्चर होता है एफसीसी। ये ध्यान रखना, ठीक। और कौन कौन से टेम्परेचर पे क्या क्या मिल रहा है, जैसे कि 910 से आपका 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको मिल रहा है क्या? ऑस्टेनाइट। आपको मिल रहा है ऑस्टेनाइट, उसके नीचे फेराइट है, उसके ऊपर फेराइट है। ऊपर वाला आपका हाई टेम्परेचर फेराइट है, नीचे वाला लो टेम्परेचर फेराइट है। इसका ध्यान रखना, तभी आपको आयरन कार्बन डायग्राम में चीजें, क्योंकि इस पे मैं पहले ही बोल रखा हूं कि आपको याद रखने की जरूरत है, लेकिन कितनी आसानी से अपन याद रख सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है। सो होपफुली ये अब आसानी से आप याद रख सकते हो, एक दो बार आप खुद से ड्रॉ करके देखिएगा तो आसानी से याद रख सकते हो, और यहीं से सवाल पूछे जाते हैं, है ना। सो वो आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए देखते हैं आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम। आयरन कार्बन आपका इक्विलिब्रियम डायग्राम होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना। इसको समझने के लिए या इसको ध्यान रखने के लिए कुछ बातें मैं बताऊंगा, वो बहुत अच्छे से आपको सुनना है भाई, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन होने वाला है ये लाइन में हम लोग टेम्परेचर देखने वाले हैं। सो देखिए आपको मैं टेम्परेचर जो बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। एक टेम्परेचर मैं 725 और 723 डिग्री सेंटीग्रेड कहीं कहीं देखने को मिलेगा। दिस इज नॉट द क्यूरी टेम्परेचर और क्यूरी पॉइंट, ये एक दूसरा टेम्परेचर के बारे में बात किया। उसके बाद ऑफकोर्स आपका एक क्यूरी टेम्परेचर मैंने बताया था 768 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद आपको 910 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक टेम्परेचर आपका 1147 डिग्री सेंटीग्रेड, एक टेम्परेचर आपका रहेगा 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, एक टेम्परेचर रहेगा 1492 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसके ऊपर सबसे ऊपर आपका 1500
1539 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इस पे देखिए कुछ टेम्परेचर्स और बढ़ गए जो आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सा, 725 डिग्री सेंटीग्रेड ठीक, और 1147 डिग्री सेंटीग्रेड और 1492 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ध्यान रखना भाई। इधर अगर मैं कार्बन परसेंटेज के बारे में बात करूं तो आपका एज सच डायग्राम कहीं पे 0% ऑफ कार्बन से, नहीं तो एक्चुअल अगर मैं बोलूं तो ये 0.008% ऑफ कार्बन से स्टार्ट होता है ना, वहां से देखना अपन शुरू कर सकते हैं ठीक। सो यहां से अगर मैं देखूंगा तो ये इस तरीके से कुछ बनेगा भाई, यहां पे 725 एंड इट विल बी लाइक दिस ठीक। अच्छा हाँ, आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन भी ध्यान रखना है, कुछ कुछ परसेंटेज ऑफ कार्बन, जैसे कि 0.008% से स्टार्ट होता है बोला, तो 0.008% जरूरी नहीं है कि आप ध्यान रखो है ना, 0.00 भी रखोगे तब भी चलेगा, क्योंकि कहीं कहीं 0.00 दिया है, कहीं पे 0.008 है, सो 0.008 से स्टार्ट होता है, ये अपन मान के चलने वाले हैं ठीक। उसके आगे अगर मैं बोलूं सो आपका एक ध्यान रखना है 0.18%, उसके बाद 0.83%, उसके बाद 2% और 2.1%, कहीं पे 2.1 दिखेगा, कहीं पे 2% दिखेगा, मैं 2.1 कंसीडर करता हूँ, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा 4.3% एंड फाइनली आपको देखने को मिलेगा लास्ट 6.67% ऑफ कार्बन ठीक। सो दिस इज द मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी ऑफ द कार्बन इन द आयरन, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये जो 6.67% अगर कार्बन आप मिला देते हो आयरन में, इतना आ जाता है, सो ये कहलाता है सीमेंटाइट, Fe3C, इसको क्या कहा जाता है, सीमेंटाइट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये सीमेंटाइट पूर्ण रूपेण आपका सीमेंटाइट कहलाएगा, कंप्लीट सीमेंटाइट ठीक, सीमेंटाइट। अब देखिए ये 725 डिग्री सेंटीग्रेड वाला लाइन मैंने खींच दिया ठीक है ना, एक काम करता हूँ इसको डिफरेंट कलर में मैं बताता हूँ, ठीक है, इस तरीके से कुछ देखने को मिलेगा। साथ के साथ ये कार्बन परसेंटेज का भी बात कर देता हूँ, जिस वे में बता रहा हूँ उस वे में अगर आप ध्यान रखोगे तो आसानी से इसको ध्यान रख सकते हो भाई। अब देखिए यहाँ पे आपको इस तरीके से कुछ देखने को मिलेगा डिया कि 0.83% तक ये इस तरीके से आपका कर्व शो करेगा, यहाँ से 2.1% और 2% तक आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा ठीक। सिमिलरली अगर मैं इधर से चलता हूँ तो ये इस तरीके से कुछ आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक, यहां से ये जाएगा 4.3% पे और इधर से इधर कहीं आपका जाने वाला है। अब देखिए हाँ एक चीज और, यहाँ से एक लाइन ऐसा कुछ दिखेगा, यहाँ से समथिंग लाइक ठीक। सो दिस इज नथिंग बट योर आयरन कार्बन डायग्राम, इस पे क्या चीजें होती है देखिए, अगर मैं बोलूँ सो मैंने एक कर्व ड्रॉ कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन, क्या किया कि यहाँ से स्टार्ट हुआ 0.08% से, और ये लगभग अगर मैं बोलूँ यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन तो 0.025% अप्रॉक्स आपको देखने को मिलेगा, 0.025% है ना, और ये 910 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद ये इस तरीके से आपका दिख रहा है। सर यहाँ पे ये कर्व इस तरीके से क्यों दिख
दिख रहे हैं कि आपका ये नीचे आ रहा है, यहाँ से फिर इस तरीके से आप दिखा रहे हो, बिकॉज परसेंटेज ऑफ कार्बन जैसे जैसे चेंज होता है, सो इसका जो कूलिंग है ना, वो एक लाइन में ना हो के वो लाइन थोड़ा सा वेरिएशन शो करता है, ठीक है ना। सो इसलिए ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। इसमें देखिए 768 डिग्री सेंटीग्रेड दिस इज द क्यूरी टेम्परेचर, और ये आपका कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। मतलब मैं कह सकता हूँ क्यूरी टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द आयरन, ठीक। सो क्यूरी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है परसेंटेज ऑफ कार्बन से। आगे अगर मैं बात करूँ डियर, सो एक चीज देखिए, इसके ऊपर आपका पूरा लिक्विड रहेगा, लिक्विड, लिक्विड को अगर मैं एल से शो कर रहा हूँ, एल से, सो दिस इज द लिक्विड आयरन, दिस इज द लिक्विड आयरन। अब देखिए 1539 से अगर मैं नीचे की ओर आता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा ये ठंडा हो रहा है, ये ठंडा हो रहा है, और यहाँ कहीं आपको देखने को मिलेगा डेल्टा आयरन। कैसा देखने को मिलेगा? डेल्टा आयरन, ठीक। अगर मैं इधर आया, ठीक है भाई, ये डेल्टा आयरन है, इधर अगर आ रहा हूं तो आपको डेल्टा आयरन समथिंग, एक मिनट बस, मुझे एक मिनट और समय दीजिए, थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसको एग्जैक्ट। यस, ठीक है, ये आयरन कार्बन डायग्राम अपने को ध्यान रखना है भाई, है ना। हाँ, एक लाइन मिसिंग है, वही मैं सोच रहा था, यहाँ पे एक लाइन इस तरीके से और कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला लाइन मिसिंग था भाई, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए मैं जैसे बोला कि यहाँ से ठंडा होते आएगा, यहाँ से ठंडा होते आ रहा है ना, तो ठंडा होते आएगा तो क्या होगा कि आपका ये कन्वर्ट होगा डेल्टा आयरन में, लेकिन थोड़ा सा लिक्विड भी रहेगा, डेल्टा आयरन प्लस लिक्विड आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल देखने को मिलेगा सर, ठीक। उसके बाद है ना, हाँ बिल्कुल सही, ये वाला लाइन भी यहाँ कहीं आपका होना चाहिए, थोड़ा सा इसको सुधार लेना भाई, कि पूरा बता रहा हूँ इसलिए सारी लाइन ध्यान रखना है, लेकिन अभी मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती है इस पे। ये लिक्विड है, ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है, यहाँ पे ठंडा हो रहा है, तो ये कन्वर्ट होगा डेल्टा आयरन में और थोड़ा सा भी लिक्विड फॉर्म में रहेगा, लेकिन इधर देखोगे इधर अंदर साइड, सो आपको ऑलमोस्ट डेल्टा आयरन में देखने को मिलेगा। और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इस पे क्या हो रहा है, डेल्टा आयरन क्या है, सॉलिड है, और प्लस आपका आयरन जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, मतलब डेल्टा आयरन प्लस आपका लिक्विड आयरन, डेल्टा कैसा है, सॉलिड है, ये कैसा है, सॉलिड है, प्लस लिक्विड आयरन, अगर आप इसको कूलिंग करते हैं, कूलिंग करते हैं, सो ये कन्वर्ट होता है आपका ऑस्टेनाइट में, ये कन्वर्ट होता है किस पे, ऑस्टेनाइट में। माई डियर फ्रेंड, अगर एक सॉलिड और एक लिक्विड ऑन द कूलिंग, वो अगर एक सॉलिड में, ये भी आपका एक सॉलिड है, एक सॉलिड में कन्वर्ट होता है, सो इस तरीके का जो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं पेरिटेक्टिक रिएक्शन। क्या कहा जाता है? पेरिटेक्टिक रिएक्शन, मतलब ये वाला पॉइंट क्या पेरिटेक्टिक पॉइंट है सर? बिल्कुल, दिस पॉइंट इज नोन एज पेरिटेक्टिक पॉइंट। इसके ऊपर क्या है? डेल्टा प्लस लिक्विड, डेल्टा प्लस लिक्विड, सो ये आपका पेरिटेक्टिक पॉइंट है, पेरिटेक्टिक पॉइंट है, ठीक। सो आपका सॉलिड प्लस लिक्विड ऑन द कूलिंग आपका सॉलिड देने वाला है, या इसके अपोजिट ऑन द हीटिंग ये आपका क्या करने वाला है, एक सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा एक सॉलिड और लिक्विड में। सो इस तरीके का जो रिएक्शन होता है वो पेरिटेक्टिक रिएक्शन होता है। मतलब इसके नीचे क्या रहेगा सर, इस पॉइंट के नीचे, दैट इज योर ऑस्टेनाइट, बिल्कुल ये आपका ऑस्टेनाइट, मतलब ये पूरा रीजन है जिस पे आपको ऑस्टेनाइट देखने को मिलेगा, ये पूरा रीजन, है ना।
हाँ ना, मतलब 910 डिग्री सेंटीग्रेड इधर, ये भी पूरा ऑस्टेनाइट है, ये पूरा ऑस्टेनाइट है, ये पूरा ऑस्टेनाइट है, ठीक। यहाँ पे आपका ये पूरा क्या है, डेल्टा है। इससे पहले आपका डेल्टा प्लस लिक्विड था, और यहाँ से अगर ये कन्वर्ट हो रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पे ऑस्टेनाइट प्लस डेल्टा आयरन दोनों देखने को मिलेगा, क्लियर है। अगर मैं इधर आऊंगा डियर, इधर आना शुरू करता हूं अगर, हाँ ना, सो आपको दिखेगा क्या कि ये तो कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो गया, ऑस्टेनाइट में। इधर आपको ऑस्टेनाइट ऑस्टेनाइट प्लस लिक्विड, थोड़ा सा लिक्विड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, ऑस्टेनाइट प्लस लिक्विड देखने को मिलेगा। अगर मैं बोलूं इधर, इधर क्या देखने को मिलेगा सर, हाँ ना, इधर क्या देखने को मिलेगा सर, सो आपका लिक्विड लिक्विड प्लस ये सीमेंटाइट देखने को मिलेगा, F3C। मतलब इसके ऊपर क्या था, इसके ऊपर तो लिक्विड था, ये पूरा लिक्विड है, ये अभी भी लिक्विड है। अगर मैं बोलूं इस साइड लिक्विड है, उसका कन्वर्जन इस पॉइंट पे हुआ, लेकिन वो सिर्फ सिर्फ इस कर्व के अंदर हुआ। इधर तो अभी क्या हुआ है, ऑस्टेनाइट और लिक्विड बना, और इधर लिक्विड आके आपका लिक्विड और सीमेंटाइट बन रहा है, लिक्विड और सीमेंटाइट बन रहा है। ये वाला जो पॉइंट है 4.3% पे, ये वाला जो पॉइंट है जिस पे लिक्विड आपका कन्वर्ट होगा दो सॉलिड में, एक लिक्विड कन्वर्ट होगा दो सॉलिड में, और यहाँ पे ये बनाने वाला है डियर, यहाँ पे बनाने वाला है, दैट इज योर आपका ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट, ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट। सो इधर आपका लिक्विड और सीमेंटाइट रहेगा, इधर आपका लिक्विड और ऑस्टेनाइट रहेगा। इस पॉइंट से नीचे अगर आप देखोगे तो ये पूरे रीजन में आपका ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट दिखेगा। ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट का कॉम्बिनेशन ही कहलाता है लेडेबुराइट, ठीक। अगर मैं कहूँ इस तरीके का जो रिएक्शन होता है उसको यूटेक्टिक रिएक्शन कहा जाता है, मतलब ये वाला क्या यूटेक्टिक पॉइंट है सर, बिल्कुल ये आपका यूटेक्टिक पॉइंट है, यूटेक्टिक पॉइंट, ठीक। यहां पे अगर देख रहे हो तो आपका एक लिक्विड ऑन द कूलिंग दो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, और दो सॉलिड कौन सा है, ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट, एंड ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट का जो कॉम्बिनेशन होता है इसी को लेडेबुराइट कहा जाता है, लेडेबुराइट, ठीक। मतलब ये आपका लेडेबुराइट देने वाला है, क्लियर है, ठीक। ऑन द हीटिंग क्या रिवर्स होने वाला है, बिल्कुल ऑन द हीटिंग ये रिवर्स होने वाला है, और इस तरीके का रिएक्शन क्या कहलाता है, यूटेक्टिक रिएक्शन, क्या कहलाता है, यूटेक्टिक रिएक्शन, यूटेक्टिक रिएक्शन, ठीक। अब देखिए इधर जैसे जैसे आ रहा हूं, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट दिख रहा है, ये पर्टिकुलर पॉइंट दिख रहा है, इसको कहा जाता है यूटेक्टाइड, इसको क्या कहा जाता है, यूटेक्टाइड। ये यूटेक्टॉइड में क्या होने वाला है, ये तो आपका ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो गया था, ऑस्टेनाइट सॉलिड में कन्वर्ट हो गया था, ठीक। और ये जो यूटेक्टाइड पॉइंट है, यूटेक्टाइड पॉइंट, वहां से एक सॉलिड आपका कन्वर्ट हो जाएगा दो सॉलिड में, और वो दो सॉलिड होने वाला है आपका, दैट इज योर फेराइट एंड सीमेंटाइट, इस तरीके से कन्वर्ट होगा। मतलब आपका अगर मैं यूटेक्टॉइड बोलूंगा, सो ऑस्टेनाइट इज गोइंग टू कन्वर्ट ऑन कूलिंग दो सॉलिड में कन्वर्ट होगा, दैट इज योअर अल्फा फेराइट एंड F3C सीमेंटाइट। सो फेराइट और सीमेंटाइट ये कहा, इसको कहा जाता है पियर लाइट, इसको क्या कहते हैं, पियर लाइट। मतलब सर क्या अल्फा F3EC लिखना यहाँ सही है कि पियर लाइट लिखना सही है, पियर लाइट लिखना सही है, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट पियर लाइट मिलेगा, पियर लाइट मिलने वाला है, ठीक। मतलब इधर क्या मिलेगा सर, इधर आपका ये ऑस्टेनाइट है, तो ये ऑस्टेनाइट प्लस फेराइट, फेराइट में कन्वर्जन शुरू हुआ तो फेराइट प्लस ऑस्टेनाइट मिलेगा। इसके नीचे आओगे सो आपको फेराइट प्लस पियर लाइट देखने को मिलेगा, इस लाइन के नीचे, ये वाला जो लाइन दिख रहा है इसके नीचे आपको फेराइट अल्फा प्लस पियर लाइट देखने को मिलेगा, ये एग्जैक्ट पियर लाइट में कन्वर्ट हुआ। इधर आते जाओगे तो पियर लाइट और सीमेंटाइट आपको देखने को मिलेगा, मतलब इस साइड मैं कह सकता हूं पियर लाइट
प्लस सीमेंटाइट। एक्चुअली यहां पे लिखना चाहिए मुझे, यहीं पे पीएल लाइट, ये एग्जैक्ट पॉइंट पीएल लाइट है, उसके बाद आपको पीएल लाइट प्लस सीमेंटाइट देखने को मिलेगा। इधर आगे बढ़ते जाओगे तो आपका ये अल्फा मतलब फेराइट प्लस सीमेंटाइड इस तरीके से देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट अगर मैं बोलूं तो यस है ना, आपका ऑलमोस्ट इस तरीके से देखने को मिलेगा कि फेराइट और सीमेंटाइड पीएल लाइट। इसके बाद आपको अगर मैं बोलूं तो हाँ थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, लेकिन मेनली 2% या 2.1% कार्बन तक आपको पीएल लाइट एज सच देखने को मिलता है। ठीक, सो ये वाला आपका यूटेक्टॉइड रिएक्शन है, और ऑन द हीटिंग क्या ये रिवर्स होता है? बिल्कुल होता है, ऑन द हीटिंग ये रिवर्स होता है। सो दिस इज नथिंग बट आयरन कार्बन डायग्राम की किस तरीके से क्या क्या चीजें मिलती है ये अपने को ध्यान होना चाहिए। वापस रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपने कुछ टेम्परेचर्स देखे, कुछ परसेंटेज ऑफ कार्बन देखे जो फिक्स हैं, वो चीजें आपको ध्यान रखनी है ऑलमोस्ट। ठीक, और उसके बाद ये कर्व ध्यान रखना है। ये कर्व में अगर मैं बोलूँ तो ये ऊपर लिक्विड था, यहां से जब ठंडा होना शुरू हुआ तो ये डेल्टा आयरन में कन्वर्ट होगा। डेल्टा आयरन मतलब कौन सा स्ट्रक्चर? बीसीसी स्ट्रक्चर, और इसी को हाई टेम्परेचर फेराइट भी कहा जाता है। सो आपका डेल्टा आयरन प्लस थोड़ा सा लिक्विड रहेगा, मतलब आपका लिक्विड और सॉलिड दोनों मिल गया। इधर अगर इस जोन में आता हूं तो आपका पूरा सॉलिड डेल्टा आयरन देखने को मिलेगा। इधर उसके नीचे अगर आता हूं तो आपका ऑस्टेनाइट प्लस डेल्टा आयरन, मतलब दो सॉलिड देखने को मिलेगा। लेकिन ये पर्टिकुलर पॉइंट है जहां से आपका क्या होने वाला है कि एक सॉलिड और एक लिक्विड डायरेक्ट आपका एक सॉलिड में कन्वर्ट होगा, और इसको पेरिटेक्टिक पॉइंट कहा जाता है। और ये जो सॉलिड होता है उसको ऑस्टेनाइट कहा जाता है, मतलब ये पूरा रीजन आपका ऑस्टेनाइट रीजन है, ये पूरा आपका ऑस्टेनाइट है। ठीक, ये ऑस्टेनाइट सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। इधर अगर देखोगे तो ऑस्टेनाइट सॉलिड प्लस लिक्विड है, और इधर देखोगे तो लिक्विड प्लस सीमेंटाइट है। और ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है वहां से आपको ये वाला जो पॉइंट है वो यूटेक्टिक पॉइंट कहलाता है। और यूटेक्टिक पॉइंट से अगर आप देखोगे है ना, तो उस पर आपका एक लिक्विड दो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है ऑन द कूलिंग। कौन कौन सा? ऑस्टेनाइट एंड सीमेंटाइट, इसी को आप लेडेबुराइट भी कहते हैं। अगर मैं नीचे आ रहा हूं है ना, मतलब इस रीजन में अगर कोई पूछे, फॉर एग्जाम्पल है ना, ये सवाल पूछा गया था गेट एग्जाम में, ये ध्यान क्यों रखना है। एक बार ये पूछा गया था कि ऑस्टेनाइट को आप ठंडा कर रहे हो 740 डिग्री सेंटीग्रेड विथ 1% ऑफ कार्बन। 1% ऑफ कार्बन मतलब यहां कहीं आने वाला है 740 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब यहां से अगर मैं बोलूं तो 740 डिग्री सेंटीग्रेड यहां कहीं आपका मिलने वाला है ऑलमोस्ट। ये यहां कहीं मिलेगा सर 1% ऑफ कार्बन के साथ। अगर मैं देखूं तो 740 डिग्री सेंटीग्रेड यहां कहीं मिल रहा है। इस रीजन में क्या मिलेगा? आप ऑस्टेनाइट को ठंडा कर रहे हो तो इस रीजन में क्या मिलने वाला है? दैट इज नथिंग बट सर आपका ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट मिलने वाला है। ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट मिलने वाला है, दैट्स वाई आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये कर्व। ठीक है ना, समझ में आया क्या सवाल? फिर से बोल रहा हूं, सवाल ये पूछा गया था कि ऑस्टेनाइट को आप ठंडा कर रहे हो ऑन द कूलिंग ऑफ ऑस्टेनाइट टू द 740 डिग्री सेंटीग्रेड विथ 1% ऑफ कार्बन। विथ 1% ऑफ कार्बन, अगर 1% ऑफ कार्बन में अगर आप देखते हैं तो वो क्या होगा? सो 1% ऑफ कार्बन में अगर देखोगे तो 1% ऑफ कार्बन अप्रॉक्स यहाँ आने वाला है, और 740 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ आने वाला है, तो आपका किस तरीके की चीज़ मिलने वाली है? दैट इज नथिंग बट ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट आपको मिलने वाला है, इसलिए ये ध्यान रखना है। नाउ माय डियर, अगर मैं बात करूँ ये जो यूटेक्टाइड पॉइंट है ना, मतलब अप टू 2.1% तक ये कहलाता है स्टील। इसको कहा जाता है स्टील, कहा जाता है। इसके बाद ये आपका कास्ट आयरन कहा जाता है, इसको कास्ट आयरन कहते हैं, कास्ट आयरन कहते हैं। ठीक, अगर मैं बोलूं अप टू 0.83% तक इसको हाइपोयूटेक्टाइड कहा जाता है, हाइपोयूटेक्टाइड। ये आपका हाइपोयूटेक्टाइड है, ये वाला 0.83 से 2.1% और 2% तक हाइपर यूटेक्टॉइड। ठीक, यहां पे लिख रहा हूं है ना, इसको आपके कॉपी में अगर जगह होगा तो अच्छा यहीं पे लिखता हूं। इसको क्या कहा जाता है? हाइपो यूटेक्टॉइड, इसको हाइपर यूटेक्टॉइड। ठीक,
इसके आगे अगर मैं बात करूं डियर, यहां से यहां तक 4.3 और 4.3 टू 6.67 तक, सो 2.1 टू 4.3 तक आपका हाइपोयूटेक्टिक कहलाता है ये, हाइपोयूटेक्टिक, यूटेक्टिक एंड हाइपर यूटेक्टिक, ये भी पूछ दिया जाता है कि कब क्या कहलाता है। ठीक, सो ये हाइपो और हाइपर, हाइपो और हाइपर ये याद रखना, अगर ये यूटेक्टॉइड पॉइंट था तो इधर यूटेक्टॉइड मिलेगा हाइपो यूटेक्टॉइड और हाइपर यूटेक्टॉइड, इधर मिलेगा हाइपो यूटेक्टिक और हाइपर यूटेक्टिक। सो दिस इज योर आयरन कार्बन डायग्राम और ये रिएक्शंस हैं जो आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है ना। सो नोट इट डाउन, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये ध्यान रखना, थोड़ा सा ये काम की चीज़ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब ये इरेज कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज अबाउट योर व्हाट, आयरन कार्बन डायग्राम। ये जो आयरन कार्बन डायग्राम था इसको याद रखना जरूरी है आपको, तो 3-4 बार आप कॉपी में बना के देखिए जैसा मैं बताया हूँ, है ना, आपसे ये बनना शुरू हो जाएगा, ध्यान में रह जाएगा। अगर मैं बात करूँ इसके बाद होता है ट्रिपल टी डायग्राम, ये डायग्राम बनाएंगे नहीं, इसके बारे में बस जान लेते हैं क्या क्या चीज़ें होती है। ट्रिपल टी डायग्राम इज नथिंग बट योर टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम, टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम, टी फॉर टाइम, टी फॉर टेम्परेचर एंड टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, सो टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम। ये नॉन इक्विलिब्रियम डायग्राम होता है, नॉन इक्विलिब्रियम डायग्राम, आपका क्या होता है कि ऑस्टेनाइट, है ना, मतलब ऑस्टेनाइट एक्चुअली दैट इज नथिंग बट जो ऑस्टेनाइट मिलता है वो अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर मिलता है, जो ऑस्टेनाइट आयरन मिल रहा है ना वो आयरन का अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। क्या इससे पहले मैंने आपको रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के बारे में बताया था? बिल्कुल बताया है, अगर मैं मेटल फॉर्मिंग पढ़ाया था तो मैं बताया था कि भाई आपका जो कोल्ड वर्किंग होता है वो बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है किसी भी मटेरियल का, और अगर हॉट वर्किंग है तो अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। हम लोग अभी कौन से मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं? आयरन के बारे में बात कर रहे हैं। सो आयरन का अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर अगर काम हो रहा होगा तो ऑस्टेनाइटिक रीजन में हो रहा होगा। सो अगर कोई ऑस्टेनाइट है मतलब ये अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे होगा ऑस्टेनाइट। सो ऑस्टेनाइट को अगर आप कूलिंग कर रहे हो, सो ये कूलिंग रेट पे डिपेंड करने वाला है डियर। अगर कूलिंग रेट स्लो है, जैसे कि आपका एक प्रोसेस होता है एनिलिन, क्या प्रोसेस होता है एनिलिन, एनिलिन में क्या करेंगे कि आपका जो अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक गर्म किए हो, है ना, जो मटेरियल है मतलब जो ऑस्टेनाइट है वो फर्नेस में ही रखा रहेगा, वो फर्नेस में ही रखा रहेगा, और फर्नेस में रख के आप छोड़ देते हो वो फर्नेस पे ही कूलिंग होता है, मतलब फर्नेस कूलिंग अगर कर रहे हो, गर्म आप फर्नेस में करने वाले हो, ऑस्टेनाइट टेम्परेचर तक आपने गर्म कर लिया, वो ऑस्टेनाइटिक रीजन में पहुंच गया और उसके बाद उसी में छोड़ दिया उसको ठंडा करने के लिए, सो वो ठंडा होगा, फर्नेस भी ठंडा होने वाला, सो आपका वो प्रोसेस कहलाता है एनिलिन। और इस पे अगर आप कर रहे हो, इस तरीके का प्रोसेस कर रहे हो, तो आपका जो स्ट्रक्चर मिलेगा, है ना, ठंडा होने पे जो आयरन का स्ट्रक्चर मिलेगा वो होता है कोर्स पियरलाइट। कोर्स पियरलाइट देखने को मिलता है। अगर आप नॉर्मलाइजिंग करते हो, नॉर्मलाइजिंग क्या होगा सर कि फर्नेस में ही गर्म किए लेकिन ठंडा करने के लिए उसको फर्नेस से बाहर निकाल दिए, इट इज कूलिंग ऑन स्टील एयर, मतलब आप रूम में रख दिए आराम से वो ठंडा हो रहा है, सो ऑब्वियसली फर्नेस में ठंडा हो रहा होगा तो ज्यादा टाइम लेगा,
कंपेयर टू बाहर निकाल दिए, क्योंकि फर्नेस भी गर्म है, फर्नेस भी गर्म है, पहले फर्नेस ठंडा होते जाएगा, उसके बाद आपका जो मटेरियल है, जो सैंपल है, वो धीरे धीरे ठंडा होगा, ठीक है ना। सो इस पे ज़्यादा टाइम लेगा एनिलिन में, तो उसका स्ट्रक्चर क्या मिल रहा है, कोर्स पियर लाइट। और अगर आप नॉर्मलाइजिंग कर रहे हैं, नॉर्मलाइजिंग को क्या मैं बोला कि बाहर निकाल के आप इस पे आप स्टील एयर में कूलिंग करने वाले हो, ठीक। सो इसको कहा जाता है नॉर्मलाइजिंग। सो इस पे आपका जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो पियर लाइट होता है, लेकिन फाइन पियर लाइट मिलता है यहाँ पे, फाइन पियर लाइट। अगर आप जो कूलिंग है ना, उसको ऑयल में कर रहे हैं, और ये जो कूलिंग प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है क्वेंचिंग। सो ऑयल क्वेंचिंग मैं कह सकता हूँ, ऑयल कूलिंग और ऑयल क्वेंचिंग, ऑयल क्वेंचिंग। अगर आप ऑयल क्वेंचिंग करते हैं सो आपको देखने को मिलेगा वेरी फाइन पियर लाइट, वेरी फाइन पियर लाइट। उसके बाद अगर और आप जल्दी ठंडा करना चाहते हो, एक्चुअली क्या हो रहा है इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है ठंडा होने में, उसके बाद इसमें, मतलब अभी तक तीनों में अगर मैं बोलूँ तो सबसे जल्दी ठंडा होने में ये टाइम लेगा, मतलब सबसे जल्दी ठंडा होगा, उसके बाद ये, और सबसे लेट में ये ठंडा होने वाला है। सबसे ज़्यादा टाइम ये लेगा, उसके बाद ये, और सबसे कम टाइम टिल नाउ ये लेने वाला है। इससे भी कम टाइम में अगर ठंडा कर रहे हो, मतलब आप वाटर क्वेंचिंग कर रहे हो, किस तरीके की क्वेंचिंग कर रहे हैं आप, वाटर क्वेंचिंग, वाटर स्प्रे कर रहे हैं। सो आपको यहां पे देखने को मिलता है जो कन्वर्जन होता है वो होता है मार्टेनसाइट, मार्टेनसाइट। सो दिस इज द हार्डेस्ट ना, मार्टेनसाइट हार्डेस्ट होता है, सबसे ज्यादा हार्ड होगा, उसके बाद फाइन पियर लाइट होगा, उसके बाद सॉरी वेरी फाइन पियर लाइट होगा, उसके बाद फाइन पियर लाइट होगा, उसके बाद आपका कोर्स पियर लाइट होगा। मतलब अगर मैं बोलूँ आउट ऑफ फोर ये सबसे कम हार्डनेस है इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका सबसे ज़्यादा हार्डनेस इसका होने वाला है। एक होता है स्पेराइड फॉर्म में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, उसका जो कन्वर्जन है ना वो स्पेराइड फॉर्म में है, तो वो सबसे नरम होने वाला है। और इसके बाद अगर मैं बोलूँ तो स्पेराइड फॉर्म में कन्वर्जन अगर देखोगे तो वो सबसे स्पेराइडेड है ना, स्पेराइड फॉर्म में अगर कन्वर्ट करोगे तो वो सबसे नरम होगा, ठीक है ना, उसका हार्डनेस सबसे कम होगा, उसके बाद इसका हार्डनेस, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका। अगर आप कूलिंग रेट को और अच्छे से कंट्रोल करते हो तो एक और देखने को मिल सकता है, वो होता है बाइनाइट। लेकिन बाइनाइट जो है ना डियर, एज सच आपका ये स्टेबल फॉर्म नहीं है, ये आयरन का स्टेबल फॉर्म नहीं है, बाइनाइट आपका इसके मिडिल में कहीं देखने को मिलेगा, ठीक है ना, बट दिस इज नॉट द स्टेबल फॉर्म ऑफ आयरन, ठीक। सो ये बातें आपको ध्यान रखना है। ट्रिपल टी डायग्राम में जितनी चीज़ें थी, डायग्राम आप देख सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, टेम्परेचर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम है ना, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बातें थी यही यही है, ये ध्यान रखना है, ठीक। ठीक है भाई, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं। अब देखिए आपका एक आता है फेज डायग्राम, जहां से न्यूमेरिकल पूछा जाता है गेट एग्जाम में, फेज डायग्राम। हम लोग इसमें भी पढ़ने वाले हैं आइसोमॉर्फस डायग्राम, आइसोमॉर्फस फेज डायग्राम। आइसोमॉर्फस फेज डायग्राम क्या होता है कि आपका दो मटेरियल, मतलब जो अलॉय बना रहे हो है ना, जो अलॉय बना रहे हो, अलॉय में एक मेटल होना जरूरी है, दोनों मेटल होगा चलेगा, लेकिन एक मेटल होना जरूरी है अलॉय में, ये ध्यान रखना, वन मस्ट बी मेटल, ठीक है। सो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके आप अलॉय बना रहे हो, अलॉय बना रहे हो, और अलॉय का सॉलिड फॉर्म में एज वेल एज लिक्विड फॉर्म में अगर कंप्लीट सॉल्युबिलिटी देखें, सॉलिड एंड
लिक्विड फॉर्म में, दोनों में आपका अगर वो कंप्लीट सॉल्युबिलिटी देता है तो उसको बोलते हैं आइसोमॉर्फस, उसको कहते हैं आइसोमॉर्फस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसका एग्जांपल बोलूं तो आपका कॉपर, निकिल, गोल्ड, कॉपर, इस तरीके से आप कह सकते हैं डियर। ठीक, सो यहां पे जैसे कि फॉर एग्जांपल एक आइसोमॉर्फस डायग्राम देखता हूं मैं, बाइनरी है, बाइनरी मतलब दो आपके दो कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे इस पे, है ना, अलॉय है ये, बाइनरी अलॉय है। सो यहां पे अगर मैं बोलूं उस पे दो तरीके के मटेरियल्स हैं, एक है ए और दूसरा है बी। सो यहां पे ए का परसेंटेज जीरो है, यहां पे बी का परसेंटेज जीरो है, यहां पे बी का परसेंटेज जीरो है, यहां पे ए का परसेंटेज जीरो है। यहां पे बी का परसेंटेज 100% हो जाएगा, यहां पे ए का परसेंटेज 100% हो जाएगा। ए का 100% होने वाला है, यहां पे बी का 100% होने वाला है। ठीक, मतलब आपका ए जीरो है, ये धीरे 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 इधर बढ़ते 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 यहां पे 100 हो जाएगा ए, और बी अगर इधर से चल रहा हूं तो बी बढ़ते बढ़ते यहां पे 100 होने वाला है। सो अगर मैं देखा कि इस तरीके से कुछ हो रहा है, ये आपका टेम्परेचर है, इधर टेम्परेचर है, ये आपका परसेंटेज ऑफ ए एंड परसेंटेज ऑफ बी। सो इधर आपका परसेंटेज ऑफ ए दिख रहा था और इधर परसेंटेज ऑफ आपका बी दिखेगा। सो यहां कहीं मैंने देखा तो इस तरीके से कुछ दिखा, लेट अस अज्यूम इस लाइन के ऊपर पूरा आपका लिक्विड दिखने को मिला, इस लाइन के नीचे पूरा आपका सॉलिड देखने को मिला। सो इसको लिक्विडस लाइन कहते हैं, लिक्विडस लाइन, इसको कहते हैं सॉलिडस लाइन, सॉलिडस लाइन कहा जाता है। ठीक, सो यार आपका अगर मैं बोलूं कहीं पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं कंपोजिशन देखना चाहता हूं कि कितना परसेंट ऑफ ए है और कितना परसेंट ऑफ बी है, वो अगर देखना चाहते हो है ना, तो वो कहलाएगा कंपोजिशन लाइन। और कितना परसेंट उसमें सॉलिड कन्वर्ट हुआ है, मतलब ये वाला जो बीच वाला जोन है, इसके नीचे सॉलिड है, इसके ऊपर लिक्विड है, सो ये बीच वाले जोन में लिक्विड प्लस सॉलिड दोनों को देखने को मिलेगा। सो इसको मशी जोन भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, मशी जोन, दलदली एरिया, मशी जोन, दलदल टाइप का रहेगा, ना तो पूरा सॉलिड ना ही पूरा लिक्विड, है ना, दोनों का मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा। और इस पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं कंपोजिशन देखना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि कितना परसेंटेज ऑफ इस पे आपका सॉलिड है या कितना परसेंटेज ऑफ लिक्विड है, ये देखना चाहता हूँ इस पे, यहां से कहीं, लेट अस अज्यूम। सो यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया, सो ये वर्टिकल लाइन आपका कहलाएगा कंपोजिशन लाइन, कंपोजिशन लाइन। एंड माई डियर फ्रेंड, यहां से आप एक लाइन खींच दीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरीके से एक लाइन खींच रहा हूं, ये है, ये एक लाइन खींचा, इस तरीके से कुछ खींचा। ठीक, ये कहलाता है आपका टाई लाइन, टाई लाइन। ये जो टाई लाइन है ना, ये आपका बताएगा इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कि कितना इस पे सॉलिड है, कितना इस पे लिक्विड है। बट ऑब्वियस है, अगर इस लाइन के नीचे आएगा ये वाला लाइन तो उसमें पूरा सॉलिड में होगा, और इस लाइन के ऊपर होगा तो पूरा लिक्विड में होगा। लेकिन इस जोन में आ रहा है तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर में कुछ परसेंटेज ऑफ सॉलिड होगा, कुछ परसेंटेज ऑफ लिक्विड होने वाला है। सो लेट अस अज्यूम इसको मैंने बोल दिया ई पॉइंट, इसको मैंने बोल दिया एफ, और इसको मैंने बोल दिया जी। सो यहां पे आपका ये, इसको इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया, ये कहीं आपका ऐप था, ये आपका ऐप है, ये आपका ई है, और यहां कहीं आपका जी है। ठीक, इधर देखोगे ई पॉइंट, ई पॉइंट किसको टच कर रहा है भाई, लिक्विडस लाइन को, ध्यान रखना, जिसको टच कर रहा है वही लिखूंगा मैं, लिक्विडस लाइन को टच कर रहा है, मतलब इधर आपका लिक्विड होगा, लिक्विड होने वाला है।
जी पॉइंट किसको टच कर रहा है? सॉलिड। और आप एक लाइन लाइन ड्रॉ करोगे अगर 20 से, तो ऑब्वियसली एक पॉइंट लिक्विड को टच करेगा और एक पॉइंट आपका सॉलिड को टच करेगा, ठीक। सो ये इस साइड लिक्विड को टच कर रहा था तो वहां लिक्विड लिख दिया, इस साइड सॉलिड को टच कर रहा है तो यहां पे सॉलिड मैंने लिख दिया, सॉलिड मैंने लिख दिया, ठीक। सो यहां पे एक रूल आता है जिसको टाई लाइन रूल कहा जाता है, टाई लाइन रूल, और इसी को लीवर रूल भी कहा जाता है, लीवर रूल, ठीक। टाई लाइन रूल और लीवर रूल, ठीक। ये क्या बताएगा सर? ये बताएगा परसेंटेज ऑफ सॉलिड कितना है और परसेंटेज ऑफ लिक्विड कितना है उस पर्टिकुलर कंपोजिशन लाइन में। अगर आपको पूछा गया परसेंटेज ऑफ इस कंपोजिशन में, जैसे कोई परसेंट होगा, ए का परसेंट होगा फॉर एग्जांपल, या बी का परसेंट होगा, है ना। सो अगर ए का परसेंट बोला है तो यहाँ पे भी ए का परसेंट देखेंगे, यहाँ पे भी ए का परसेंटेज देखेंगे। बट ऑब्वियस अगर यहाँ पे ए का 50% बोला है तो ए का परसेंटेज यहां से शुरू हो रहा है, सो यहां पे ए का कम परसेंट होगा, यहां पे ए का ज्यादा परसेंट होगा क्योंकि ए इधर बढ़ते जा रहा है। अगर आपको बी का बोला है सो आप बी का परसेंटेज देखेंगे, यहां पे बी का जो भी परसेंटेज होगा वो, और यहां पे बी का जो परसेंटेज होगा वो, और यहां पे बी का परसेंटेज जो होगा वो, है ना। ये क्वेश्चन में और मैं बताऊंगा, लेकिन अभी क्लियर होना चाहिए जिसका बोला है उसका परसेंटेज आपको देखना है, ठीक। अब ये जो लीवर रूल है या टाई लाइन रूल है वो इस तरीके से है कि परसेंटेज ऑफ लिक्विड अगर देखना है इस कंपोजिशन में, परसेंटेज ऑफ लिक्विड अगर देखना है सो उल्टा करेंगे भाई, सॉलिड साइड चलेंगे। जो कंपोजिशन लाइन है, कंपोजिशन लाइन यहां पे था, ये ऐप था, ठीक। सो इसके इस साइड सॉलिड साइड अगर लिक्विड देखना है सो आपका कंपोजिशन लाइन से सॉलिड साइड जाएंगे, लिक्विड देखना है तो सॉलिड साइड चलना है, तो कंपोजिशन लाइन से सॉलिड साइड, मतलब एफ जी यहां कोई परसेंटेज रहा होगा और यहां कोई परसेंटेज है, तो दोनों का डिफरेंस दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस, ठीक है ना, जो भी है पॉजिटिव आना चाहिए, डिवाइडेड बाय टोटल ई जी, ई जी टोटल परसेंटेज कितना है इनटू 100। So, ये बता देगा आपका परसेंटेज ऑफ लिक्विड। सिमिलरली आपका एक होता है परसेंटेज ऑफ सॉलिड। सो अगर लिक्विड में इधर चले थे सर, सॉलिड साइड चले थे, तो लिक्विड में बट ऑब्वियस है, सॉलिड में बट ऑब्वियस है लिक्विड साइड चलेंगे, तो सॉलिड के लिए आप लिक्विड साइड देखेंगे। सो ये हो जाएगा आपका ई एफ डिवाइडेड बाई ई जी इंटू 100। सो दिस इज योर परसेंटेज ऑफ सॉलिड। सो ये ध्यान रखना भाई, ये कहलाता है लीवर रूल, ठीक। इसके अलावा एक चीज और होता है, वो होता है आपका जोमिनी टेस्ट। जोमिनी टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द हार्डनेबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, है ना। हार्डनेबिलिटी चेक करने के लिए यूज होता है जोमिनी टेस्ट। जोमिनी टेस्ट क्या करते हैं, इस पे एक सैंपल लेंगे, 100 बाई 25 mm का एक सैंपल रहता है, और इसको ना मैं ऑस्टेनाइट रीजन तक गर्म कर दिया, और एक साइड से मैं क्वेंच कर रहा हूँ वाटर क्वेंचिंग, इधर से मैं इसको वाटर क्वेंचिंग करने वाला हूँ, वाटर क्वेंचिंग, एक साइड से एयर क्वेंचिंग, एयर। तो होगा क्या, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ऑस्टेनाइट रीजन से वो जब ठंडा होता है, सो एयर कूल्ड हो रहा है, धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, तो ये पियर लाइट में कन्वर्ट होगा, इधर से ये पियर लाइट में कन्वर्ट होना शुरू होगा, पियर लाइट में, और इधर से आपका बताएगा मार्टेनसाइट, मार्टेनसाइट। हम लोग जोमिनी टेस्ट से ये देखने वाले हैं कि आपका ऑन द कूलिंग मैक्सिमम हार्डनेस कहाँ पे वो शो करेगा, दैट इज नथिंग बट हार्डनेबिलिटी, हार्डनेबिलिटी। जोमिनी टेस्ट किसके लिए यूज होता है, टू चेक द हार्डनेबिलिटी। एंड माय डियर फ्रेंड, इधर से अगर ये पियर लाइट में कन्वर्ट होना शुरू हुआ, एयर कूलिंग कर रहे हो, उधर से पियर लाइट में कन्वर्ट होना शुरू हुआ, इधर से मार्टिन साइट में कन्वर्ट होना शुरू हुआ, कोई ना कोई जगह होगा जहां पे ये 50% पियर लाइट एंड 50% मार्टिन साइट में कन्वर्ट हुआ होगा। सो वो जो डिस्टेंस होगा उसको कहा जाता है जोमिनी डिस्टेंस। मतलब समझ में आया क्या सर, पियर लाइट इधर से पियर लाइट कन्वर्ट हो रहा होगा, धीरे धीरे पियर लाइट इधर से मार्टिन साइड,
जब ये पूरे सैंपल का 50% आपका पियर लाइट और 50% मार्टिन साइट, कोई ना कोई एक डिस्टेंस होगा जहां पे ये मिलने वाला है, और वही डिस्टेंस आपका जोमिनी डिस्टेंस कहलाता है. सो दिस इज योर अबाउट जोमिनी टेस्ट एंड दिस इज अबाउट योर व्हाट टाई लाइन रूल और लीवर रूल. यहां से निकल आते हैं और आपके वर्कबुक में जो आपको क्रैश कोर्स का वर्कबुक मिला है उसमें दो क्वेश्चन मैंने इससे डाले हैं, वो क्वेश्चन हम लोग अब करने वाले हैं. सो नोट इट डाउन, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड लेट्स डू द क्वेश्चन. ठीक, चलिए भाई ये इसको इरेज कर देता हूँ मैं. चलिए यहां से सवाल देखते हैं. ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 94 एंड 95, उसके बाद आपके एमएसक्यू है. सो एमएसक्यू मैं कल के डेट में सॉल्व करूंगा, उसके अलावा और कुछ नहीं है भाई. इतना आपको पढ़ना है प्रोडक्शन में और कीप रिवाइजिंग डियो, है ना. आपको बहुत मजा आया होगा लेक्चर में, नो डाउट, क्योंकि मुझे पढ़ाने में जब मजा आ रहा है तो आपको पढ़ने में जरूर मजा आया होगा, जो फोकस करके पढ़ना शुरू किए होंगे और पढ़ रहे होंगे टिल नाउ, मुझे पता है ये चीज. ठीक है ना. सो आपको ये चीज ठीक है, बहुत मजा आया सर प्रिपरेशन में, लेकिन इसको कीप रिवाइजिंग ना, जो भी और नई चीजें मिलती है उसको ऐड करो अपने पर्टिकुलर नोट्स में. सो फिर देखिए, मैंने बोला था आपको कि आउट ऑफ 15 आप अगर 15 नंबर का आता है प्रोडक्शन तो आप आराम से 12 नंबर सही करके आएंगे, आराम से बोला था. मे बी 15 आउट ऑफ 15 भी हो सकता है, ठीक है ना. लेकिन अगर आप इसको सही से रिवाइज करते रहे तो वो चांसेस बढ़ जाएंगे कि 15 आउट ऑफ 15 आप स्कोर कर सको, या 18 नंबर का पेपर आया तो 18 आउट ऑफ 18 आप स्कोर कर सको. सो इसके लिए ज़रूरी है प्रीवियस ईयर सवाल लगाना प्लस रिविजन करते रहना. टेस्ट सीरीज इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, ठीक है ना. टेस्ट सीरीज नहीं छोड़ना बेटा, नहीं तो प्रिपरेशन ना जितना किए हो कोई मतलब नहीं रह जाएगा. बार बार कह रहा हूँ, टेस्ट सीरीज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. और जैसे कि क्रैश कोर्स हम लाए हैं, ये इसीलिए लाए हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते. कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़िए, आप पढ़िए. लेकिन जो टेस्ट सीरीज है वो आपको अफोर्ड कर सकते हो भाई. 300 रुपये का टेस्ट सीरीज है. अगर 300 रुपये, मुझे लगता है आप इंजीनियरिंग किए हो तो 300 रुपये आप अफोर्ड कर सकते हो, है ना. ऐसा नहीं कि हर बार 300 रुपये देना है, ये फुर्सत है. एक बार आपने 300 रुपये दे दिया, है ना, तो आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएगा, आपको कम से कम वो फीलिंग आ जाएगा एग्जाम का. प्लस वर्चुअल कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करना है, जब टिक 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 घड़ी चल रहा है बाजू में तो क्या फीलिंग होता है, वो सब जरूरी है भाई. रियल एग्जामिनेशन का फीलिंग जरूरी है, नहीं तो रैंक लाना मुश्किल हो जाएगा, इवन दो आपके पास नॉलेज है, ठीक है ना. सो मुझे लगता है 300 रुपीज इज नॉट मच कॉस्टली, ना नॉट मच कॉस्टली. अगर आप मोबाइल से ये चीज़ें देख सकते हो तो 300 रुपीज अफोर्डेबल है भाई. मैं बोलूँ तो जो कंडीशंस होता है इकोनॉमिकली, है ना, आर्थिक रूप से जो कंडीशन होता है वो बहुत लोगों का होता है. शायद मैं भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस सिचुएशन से गुजरा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं पढ़ाई के लिए 300 रुपीज कहीं ना कहीं से अरेंज कर सकता हूँ तो आप कर लीजिएगा. और टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ, है ना, बार बार कह रहा हूँ. चलिए भाई क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 94 वर्कबुक का सवाल है. कह रहा है, इन अ बाइनरी सिस्टम ए एंड बी अ लिक्विड ऑफ 20% ए, लिक्विड बोला है ना, ए का लिक्विड ऑफ 20% ए, और वहीं पे वो 80% ऑफ बी है. बी का 80% है, ए का 20% है, ठीक है भाई. इसको एग्जिस्टिंग विथ अ सॉलिड ऑफ 70%, सॉलिड 70% ए, और वहीं पे ये 30% बी दे रखा है, ठीक है भाई. फॉर ओवरऑल कंपोजिशन ऑफ 40% ए, कंपोजिशन किसका दे रखा है, ए का दे रखा है. सो आपको ए का ही परसेंटेज कंसिडर करना है. कोई स्टूडेंट चाहता है बी का अगर परसेंटेज कंसिडर करूं, सो आप देख सकते हो कि 20% ए है तो 80% बी है, 70% ए है तो 30% बी है. सो अगर 40% ए होगा तो वहां पे 60% बी होगा. अगर आप बी का कंसिडर करके भी चलते हो, है ना, तब भी आंसर आएगा, लेकिन पूरा बी का कंसिडर होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट ए का दिया है, ए का पूरा डाटा दिया है, तो ए से आपको चलना चाहिए भाई, ठीक है ना. लीवर रूल, जैसे कि मैं बोलूँ लीवर रूल, ये हो गया आपका 40% ए, मतलब ये हो गया 40% पे आपका लिक्विड कितना है, 20% पे. इधर आपका लिक्विड है 20% पे,
इधर आपका 70% पे सॉलिड है, 70% पे पूछा है, फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड पूछा है, फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड पूछा है ना। सो फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड कितना होगा वो निकालना है अगर। सो ए का सभी परसेंटेज लिखा हूँ डियर, सो डायरेक्ट ना आप सॉलिड पूछा है सो आप ये रीजन लेंगे, बट ऑब्वियस है सर 40 माइनस 20, क्योंकि परसेंटेज ऑफ सॉलिड पूछा है तो लिक्विड साइड जाते हैं, उसके बाद टोटल मतलब 70 माइनस आपका 20, 70 माइनस 20, सो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 50, मतलब 2/5, मतलब 0.4%, 0.4 फ्रैक्शन, 40% कह सकता हूँ। सो 0.4 आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट, आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो जैसे कि मैंने बोला था कि ये ए के लिए पूरा डेटा ए के लिए बस कंसिडर किया, कोई स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा सर आपने बी के लिए भी बोला तो कैसे करेंगे। सो यहाँ पे बी का परसेंटेज कितना होगा, 60% ऑफ बी। सो कोई अगर कहना चाह रहा है तो यहाँ पे 60% ऑफ बी हो जाएगा, यहाँ पे ये 80% हो जाएगा, ये 80% और यहाँ पे ये 30%, 30%। अब देखिए अगर मैं बी के फॉर्म में लेना चाहता हूँ सो ऑब्वियस है सॉलिड के लिए लूंगा तो ये वाला डिवाइडेड बाय टोटल, सो ये वाला 80 माइनस 60 डिवाइडेड बाय डियर 80 माइनस 30, मतलब दैट इज योर 50, सो अगेन ये 20/50 सेम आंसर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रखना है ये मत कर देना कि बी और ए दोनों मिक्स कर देना, जिसका आपको पूरा डेटा पता है या जिसका डेटा पता कर सकते हो उसी को कंसिडर करके चलना। ए का दिया था, ए पे ही बात हुई थी तो ए को कंसिडर करके अगर चलते सो विद इन सेकेंड ये सॉल्व हो जाता। ठीक, ये इरेज कर रहा हूँ भाई, होपफुली समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला सवाल, अ बाइनरी फेज डायग्राम ऑफ मेटल्स पी एंड क्यू एज शोन इन द फिगर, इस तरीके से कुछ आपको क्वेश्चन नंबर 95 में डायग्राम दे रखा है। यह आपका 100% है क्यू का, ये 100% है पी का। ठीक, इधर क्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्यू, परसेंटेज ऑफ क्यू इंक्रीज हो रहा है कह रहा है, और यहाँ पे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे 1250 और ऊपर 1500 कुछ दे रखा है। ये लिक्विड लाइन, ये सॉलिड लाइन, इस तरीके से कुछ दिया है। कह रहा है क्वेश्चन में एन अलॉय एक्स कंटेनिंग 60% पी एंड 40% ऑफ क्यू। ठीक है भाई, मतलब अगर मैं एक एक्स लाइन खींचा यहाँ पे है ना, सो इस पे क्या है 60% पी है, 60% पी है, 40% क्यू है, 40% क्यू, क्यू का ही कंसिडर करता हूँ मैं। ठीक है ना, 40% क्यू दे रखा है, उसके बाद आपका देखो क्यू का परसेंटेज बढ़ते हुए दिया है तो यहाँ पे 1250 पे एक लाइन खींचा गया है, 1250 पे एक लाइन खींचा गया है, यहाँ पे आपको डायग्राम में दे रखा है ये 32 है डियर, ये 68 है, ये 68 है, इस तरीके से दिया है। सो क्यू का बस कंसिडर किया, ठीक है ना, बट ऑब्वियस अगर ये 68 है सो ये क्यू का ही परसेंटेज है क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, पी इधर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। ठीक, बट ऑब्वियस है। अब देखिए इस पे बोला है द फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड रिस्पेक्टिवली एट दिस, सॉलिड एंड लिक्विड दोनों बोला है, सो यहाँ पे टाई लाइन रूल लगाऊंगा, ये हो गया आपका एक पॉइंट, इसको ई बोला, ये हो गया एफ, ये हो गया जी, सो यार अगेन
टाई लाइन सर, ये हो गया एप, ये हो गया ई, ये हो गया जी, ये आपका इस साइड क्या है, ये लिक्विड था, ये लिक्विड लाइन है, ये सॉलिड लाइन है ना, सॉलिडस लाइन, लिक्विडस लाइन, ऊपर लिक्विड नीचे सॉलिड। सो ई पे आपका लिक्विड दिख रहा है, जी पे आपका सॉलिड दिख रहा है, ठीक है, ये सॉलिड है। परसेंटेज अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे 32% है, यहाँ पे 40% है और यहाँ पे 68% है। आपको परसेंटेज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड दोनों बोला है, तो परसेंटेज ऑफ सॉलिड अगर निकालना है, परसेंटेज ऑफ सॉलिड निकालना है, परसेंटेज ऑफ सॉलिड निकालना है तो क्या करूंगा सर, दैट इज योअर सॉलिड निकालना है तो दिस डिफरेंस दैट इज योअर 40 माइनस 32 डिवाइडेड बाई टोटल 68 माइनस 32। परसेंटेज ऑफ लिक्विड निकालना है, सो 68, ये वाला सॉलिड साइड से देखूंगा, 68 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 68 माइनस 32। सो इसका परसेंटेज बोला है तो इनटू 100 कर दूंगा, इनटू 100 कर दूंगा, लेट्स कैलकुलेट इट क्या आता है देखते हैं भाई। ठीक, ये आया 22.2%, ये 22.2% आ रहा है। फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड इज 77.8%, फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड इज 22.2%। सो एज पर द क्वेश्चन फॉर द 95 आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट, आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, सो क्लियर है ना। सो एज सच अगर मैं बोलूँ तो मटेरियल साइंस में इतनी ही जरूरत थी डियर, और टिल नाउ हमारा प्रोडक्शन ओवर है। MSQ में कुछ अलग कॉन्सेप्ट्स के भी क्वेश्चन है, सो एक दो नई चीज़ें आपको इंट्रोड्यूस करके वहाँ पे बताने वाला हूँ मैं, है ना। सो कल का लेक्चर आपको MSQ में रहेगा, सो होपफुली ये लेक्चर आपको हेल्प करेगा, मज़ा आया होगा, एंड कीप प्रिपेयरिंग, कीप लविंग, लव यू ऑल।